में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हो। बस यहीं से गांधी के आगे महात्मा नाम जुड़ गया। दुनिया में रोज न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, और दुनिया का दस्तूर है, आपने जन्म लिया, आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने जिंदगी गुजारी और आप रुखसत हो गए दुनिया से। लेकिन जिंदगी वो मजेदार होती है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं, आप कुछ ऐसे कारनामे करके जाएं कि तमाम उम्र लोग आपको याद करते रहें। तो ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं, उन्हीं में से एक की आज हम बात करने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको इंडिया में गांधी जयंती के नाम से बुलाया जाता है। एंड इस दिन पर ये बेसिकली तो एक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे होती है। महात्मा गांधी, आई थिंक मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन थे, कौन है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ थे नहीं लगा सकते कौन हैं, क्योंकि ऐसे लोग, बड़े लोग जो बड़े बड़े काम करके जाते हैं, वो थे कभी नहीं होते, वो हैं, उनके साथ आप लगाते हैं। सो गाइस, आज के दिन हम एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिससे हमको मजीद नॉलेज मिले कि आखिर महात्मा गांधी थे कौन, यानी हैं कौन। सो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है 18 शॉकिंग एंड अननोन फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, और जो जिस चैनल की वीडियो है, नेशनल बायोग्राफी चैनल, इनकी काफ़ी वीडियोस पर हम रिएक्शन दे चुके हैं और इनका कंटेंट काफ़ी बेहतरीन होता है। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर वहाँ पर वीडियोज़ देखें और खूब सपोर्ट करें। सो इस पर हम पहले, सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो पर बातचीत करेंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो हमारे साथ साथ बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके बारे में ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि एक समय पर गांधी जैसे महान व्यक्ति भी इस धरती पर चले थे। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़े हुए 18 ऐसे किस्से जानेंगे जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नंबर 1, महात्मा गांधी 1888 में लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने गए और इसी के बाद एक अटॉर्नी बने। लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो कई दिक्कतों का सामना करा, जिनमें से एक समस्या थी लंबी स्पीच ना दे पाना। लॉ के शुरुआती सालों में गांधी स्पीच देने से काफी नर्वस हो जाते थे, बल्कि एक बार तो जब वह कोर्ट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे तब वह इतने नर्वस हो गए थे कि उनके घुटने कांपने लगे और उन्हें डर और घबराहट से घिरे होने के कारण बैठकर अपना बाकी का भाषण देना पड़ा। नंबर 2, गांधी की अंग्रेजी बोली का एक्सेंट ना तो इंडियन था और ना ही ब्रिटिश, उनका एक्सेंट था आयरिश, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सबसे पहले कुछ प्रोफेसर्स में से एक आयरिशमैन थे और उन्होंने गांधी जी की एजुकेशन में अहम रोल अदा करा था। नंबर 3, यहाँ पर काफी अरसे तक लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद गांधी को साउथ अफ्रीका भेजा गया। उनको एक कर्जे के केस के सिलसिले में भेजा गया था। वहां गांधी ने जिस फिलॉसफी और सूझबूझ के साथ काम करा उसने वहां के लोगों को काफी इंप्रेस करा। इसके बाद गांधी के पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आने लगी। उनको गांधी के काम करने का स्वभाव पसंद था क्योंकि वह ज्यादातर केसेस को कोर्ट के बाहर ही सेटल करवा देते थे, जिससे उनके क्लाइंट्स का समय और पैसा दोनों बच जाते थे। गांधी जी का काम इतना चला कि उनकी सालाना इनकम $15,000 से भी ज्यादा हो गई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। नंबर 4, पैसा और सफलता चखने के बाद गांधी को जितनी संतुष्टि हाथ लगी उससे कई ज्यादा उन्होंने निराशा को अपने पाले में पाया। जब दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे, उस वक्त गांधी को अपनी सुख सुविधाएं बोझ लगने लगी। यहीं से गांधी जी ने फैसला करा ब्रह्मचारी जीवन को अपनाने का। इसके बाद उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू हुआ, दूसरों की सेवा और सत्य की खोज। इन्हीं दो बातों में गांधी का आने वाला जीवन गुजरने वाला था। यहां तक तो वह मोहनदास करमचंद गांधी थे, पर इसके बाद जो जो उन्होंने करा उस चीज ने उनको महात्मा गांधी बनाया। नंबर 5, इसके बाद गांधी ने कई कड़े कदम उठाए और उन्हीं के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स भी करे। इन्हीं में से एक था उनके खाने की डाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट। वे देखना चाहते थे कि उनके शरीर को कम से कम कितना खाना चाहिए कि वो हेल्दी और चुस्त रह सके। इसके लिए उन्होंने सिर्फ फल, बकरी के दूध और ऑलिव ऑयल पर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया।
वह बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहते थे। नंबर 6, जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब वे एक बार ब्रिटिश आर्मी का भी हिस्सा रहे थे। उस वक्त अफ्रीका में जुलू वॉर चल रही थी और गांधी वहां ब्रिटिश आर्मी के लिए एक स्ट्रेचर बियरर के तौर पर काम कर रहे थे। नंबर 7, गांधी को पैदल चलना बहुत पसंद था। उनके हिसाब से वॉकिंग उनके लिए एक्सरसाइज और कन्वीनियंस के तौर पर काम करती थी। हाई स्कूल के वक्त से ही उन्होंने लंबी वॉक्स पर जाना शुरू कर दिया था। बल्कि जब वे लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब वे हर रोज करीब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चलते थे और इससे वे अपने बस के किराए के पैसे की भी बचत कर लेते थे। गांधी के हिसाब से उनकी उन्हीं लंबी वॉक्स ने उन्हें उनकी बाकी की जिंदगी में फिट और हेल्दी रखा और शायद उन्हीं दिनों की आदत और हिम्मत का नतीजा था कि 60 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने दांडी मार्च करते हुए 390 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करा था। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो गांधी जी ने जिंदगी भर में हर रोज करीब 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, जिसको अगर जोड़ा जाए तो वह पृथ्वी के दो चक्कर के बराबर हो जाता है। नंबर 8, गांधी कितने मददकारी और दूसरों के लिए चिंतित रहते थे, इसका अंदाजा अगले किस्से से भी लगाया जा सकता है। एक बार ट्रेन में चढ़ते हुए उनका एक जूता उनके पैर से फिसलकर रेल की पटरी पर गिर गया। उन्होंने एकदम से अपना दूसरा जूता भी उतारा और पहले जूते के साइड में गिरा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि वो जूतों का जोड़ा अगर बाद में किसी को मिलता है तो वह उन जूतों का इस्तेमाल कर सके, और अगर वह अपना दूसरा जूता नहीं फेंकते तो जिसको वह एक जूता मिलता उसका उससे कोई फायदा नहीं होता। नंबर 9, हम 21वीं सदी के भारतीयों ने अपने जीवन काल में जो चेहरा रोज और सबसे ज्यादा देखा है वो है इंडियन करेंसी नोट्स पर छपा हुआ गांधी जी का चेहरा। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि गांधी जी का ये फोटो एक बनाया गया चित्र है। पहले मैं भी यही सोचता था, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। गांधी जी की ये तस्वीर कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है, बल्कि 1946 में गांधी जी का एक फोटोशूट हुआ था जिसमें लिए गए एक फोटो को क्रॉप और पिक्चराइज कर बाद में नोट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर 10, महात्मा गांधी के सादा पहनावे की चर्चा विश्व भर में हुई है, पर बहुत ही कम लोग इस पहनावे को अपनाने के पीछे की कहानी को जानते हैं। 1921 से पहले गांधी जी पूरे लंबे आम कपड़े पहनते थे और इनमें भी ज्यादातर वेस्टर्न सूट्स और पैंट्स। जब वे लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब तो वे आम तौर पर एक सिल्क हैट पहननी भी पसंद करते थे, पर जब 1921 में महात्मा गांधी तमिलनाडु के मदुराई गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि कितने सारे लोग लुंगी या धोती पहने हुए थे। उन्हें इसमें सादा और भारतीय पने का एहसास हुआ और इस वजह से इसी दिन से उन्होंने भी धोती पहननी शुरू कर दी। बाद में उनका पहनावा और उनका चरखा ही उनकी दुनिया भर में पहचान बना। महात्मा गांधी के पहनावे की ही बात करी जा रही है तो आपको ये भी बता दिया जाए कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी गांधी की जिंदगी से काफी प्रेरित थे और वह भी गांधी जी की ऐनक से प्रेरित ही अपने गोल चश्मे पहनते थे। नंबर 11, महात्मा गांधी ने न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रेरित करा है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इन्हीं में से 5 विश्व लीडर्स रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, ऑंग सैन सू की, नेल्सन मंडेला और एडोल्फो पेरेस एस्क्विवेल। इन 5 लीडर्स में जो बात कॉमन है वो ये है कि 5 ही गांधी जी की फिलॉसफी से प्रेरित थे और 5 को ही नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब आपको जो बात चौंका सकती है वो ये है कि गांधी खुद भी 5 नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे पर एक भी बार वे इसे जीत ना सके। आखिर में 1948 में नोबेल प्राइज कमेटी ने गांधी को इस सम्मान के लिए चुना, पर तब तक गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद कमेटी ने फैसला करा कि उस साल किसी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया जाएगा। नंबर 12, जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि गांधी ने अपने साथ कई एक्सपेरिमेंट्स करे थे जिनमें से एक उनके कम से कम खाने से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा भी गांधी जी ने खुद के साथ कई और एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे उन्होंने कुछ समय के लिए अपने बड़े भाई के साथ स्मोकिंग ट्राई करी थी, पर जल्दी ही उन्हें इसके नुकसानों का एहसास हुआ और उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने अपने एक मुस्लिम दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही कुछ समय के लिए मीट खाना भी शुरू करा था। उन्होंने खुद के साथ कई और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करे और बाद में खुद के लिए सही जीवन शैली को चुना। इन सब वाक्यों के बारे में उन्होंने ही अपनी एक किताब में लिखकर बताया है। नंबर 13, महात्मा गांधी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर्स में से एक रहे हैं और इसी कारण विश्व के दूसरे बड़े लीडर्स भी गांधी से चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहते थे।
गांधी अक्सर लियो टॉल्स्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टाइन और एडोल्फ हिटलर को चिट्ठी लिखकर अपने पक्ष बताते थे। इतना ही नहीं बल्कि विश्व युद्ध के समय भी गांधी जी ने हिटलर को चिट्ठी लिखकर युद्ध ना करने का निवेदन करा था, पर वह चिट्ठी ब्रिटिश इंटरवेंशन के जरिए कभी हिटलर तक पहुंच ना सकी। इसके अलावा यूं तो महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए थे, पर अमेरिका में भी उनकी आइडियोलॉजीज के कई फैंस और फॉलोअर्स रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे हेनरी फोर्ड। गांधी जी ने हेनरी फोर्ड को एक ऑटोग्राफ्ड चरखा भी तोहफे के रूप में भेजा था। बाद में हेनरी फोर्ड ने बताया कि गांधी जी के उस भेजे हुए चरखे ने उनकी जिंदगी में उन्हें कई सीख दी है। नंबर 14। जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई थी, तब गांधी बंगाल में एक मोर्चा संभाल रहे थे। उस वक्त बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्से में भुखमरी छाई हुई थी। ऐसे में जब वहां के एक नेता ने गांधी जी से पूछा कि स्वतंत्रता के अवसर पर किस तरह का जश्न मनाया जाए, तो गांधी ने उन्हें डांट कर पूछा कि जहां इतने लोगों में भुखमरी छाई हुई है, तुम ऐसे हालातों में जश्न मनाना चाहते हो। नंबर 15। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि गांधी को महात्मा नाम कैसे मिला और किसने दिया। ये 1915 की बात है, जब महात्मा गांधी शांति निकेतन गए और रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। गांधी ने टैगोर को मिलते ही कहा, नमस्ते गुरुदेव, जिसके जवाब में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूं तो आप महात्मा हो। बस यहीं से गांधी के आगे महात्मा नाम जुड़ गया और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। नंबर 16। अपने जीवन काल में गांधी जी ने कई अखबारों के लिए एक एडिटर के तौर पर भी काम करा है। उन्हें लिखना बहुत पसंद था और वह इंग्लिश, हिंदी और गुजराती अखबारों के लिए अक्सर लिखते भी रहते थे। उन्होंने हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया जैसे अखबारों के लिए लिखा हुआ है। गांधी जी को अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखना सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी गुजराती में ही लिखी थी। नंबर 17। गांधी अपने समय को लेकर बहुत ही पंक्चुअल रहते थे। हर जगह समय पर पहुंचना और समय की गिनती रखना गांधी जी के जिंदगी जीने के अंदाज का हिस्सा बन गया था। वह इसी कारण अपने साथ एक डॉलर वॉच भी रखते थे। इतना ही नहीं बल्कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, वह उस दिन भी एक रेगुलर प्रेयर मीटिंग के लिए 10 मिनट लेट हो गए थे और उन्हें इसी बात की बार बार टेंशन हो रही थी और उन्हें इस बात का काफी दुख था। नंबर 18। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई और इसी के साथ भारत और विश्व ने एक अहम और महान लीडर को खो दिया। जो कपड़े गांधी जी ने उस दिन पहने हुए थे, वह आज भी मदुरई के गांधी म्यूजियम में रखे हुए हैं और इतिहास की कई अहम और महान कहानियों को संभाले हुए हैं। देश में 53 बड़ी सड़कें और विदेशों में 48 सड़कों का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ग्रेट ब्रिटेन, जिसके खिलाफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्होंने गांधी की मृत्यु के 21 वर्षों के बाद उनके ऑनर में एक स्टैंप रिलीज करा। तो दोस्तों, ये थे मोहनदास करमचंद गांधी जी की जिंदगी से जुड़े हुए 18 इंटरेस्टिंग और शॉकिंग किस्से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल वीडियो और बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है मुझे इस वीडियो से। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देख के बड़ा अच्छा इसलिए लगता है, नॉलेज बहुत बढ़ती है मुझे। बस हाँ, इतना जरूर पता था इनकी लॉयर वाली बात पता थी, लेकिन 18 के 18 फैक्ट्स जो है वो मुझे 17 फैक्ट्स बाकी बिल्कुल भी नहीं पता थे। तो इस वीडियो को क्योंकि आपने मेरे साथ देखा तो आपको मैं फिर क्या बताऊं कि इसमें क्या क्या था, वो तो आपने देख लिया। लेकिन मैं अगर उसकी एक समरी आपको दूं, एक समराइज करके बताऊं, तो महात्मा गांधी वॉज अ सिंपल मैन जो कि सिंप्लिसिटी में यकीन रखते थे और बहुत पंक्चुअल थे, ये हमको बताया गया है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की जिंदगी जो वो गुजार रहे थे उसको छोड़ दिया अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, कि जी अब मुल्क के लिए कुछ करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अपनी खुराक भी इतनी रखी कि जी जिससे गुजारा हो जाए, और मुख्तलिफ चीजें जितना एक्सपेरिमेंट की, स्मोकिंग भी एक्सपेरिमेंट की, लेकिन जब पता चला कि नहीं वो ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दिया। और इसमें मैं और बहुत सारी बातें बताएगी जो मुल्क के लिए किया और किस तरह के वो शख्स थे, कैसे उनका महात्मा नाम पड़ा ये भी मुझे नहीं पता था। और जो नोट पे, इंडिया के नोटों पे जो तस्वीर है वो कोई स्केच बनाया हुआ नहीं है, वो बेसिकली उनका एक शूट हुआ था, उसको क्रॉप करके नोट पे डाला गया, ये बात मुझे नहीं पता थी। और उसके अलावा जी वो एक बड़ा अच्छा मुझे किस्सा, वो एक बात बहुत अच्छी लगी, ट्रेन पे जब चढ़े तो एक जूती गिर गई वहां पे, तो दूसरी भी वहीं छोड़ दी कि अगर कोई लेने आता है तो एक का तो कोई फायदा नहीं है, दोनों ही वो लेके जाए ताकि उसके काम आए। तो
फिर ऐसे लोग होते हैं और ऐसी क्वालिटीज उनमें होती हैं, तो फिर अब देख लें कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया, और अभी भी जब भी ये नाम आता होगा कहीं पे भी आता है तो रिस्पेक्ट मिलती है और अच्छी अच्छे लफ्ज़ मुंह से निकलते हैं। कितने मुल्कों में कहीं स्टैम्प्स हैं महात्मा गांधी के नाम से, कहीं स्ट्रीट्स का नाम है, तो बहुत ही बेहतरीन। आई एम रियली इम्प्रेस एंड नॉलेज बहुत बड़ी है। आप बताएं कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स पता थे और कौन से नहीं पता थे। अगर आपको मेरे साथ कुछ फैक्ट्स पता चले तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरा लेटेस्ट ब्लॉग आया, उसको देखें ज़रूर। और मैंने रिसेंटली काफ़ी इक्विपमेंट परचेज किया क्योंकि मैं वीडियोग्राफर हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो ड्रोन लेटेस्ट परचेज किया। उसका बहुत ही एक्साइटिंग एक ब्लॉग एडिटिंग प्रोसेस में एक दो दिन में आ जाएगा, तो ज़रूर मेरा रिसेंट ब्लॉग भी देखें, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एंड रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसके अलावा जी आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी, डेली स्टोरीज मिलेंगी, और रिक्वेस्ट भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, खूब शेयर करें। एक और वीडियो में आपसे होती मुलाकात, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाफिज़।